हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के ज्वाइनिंग संबंधी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें लेकर जो आपके बहुत सारे डाउट है, जैसे कि मैं बात करूं नेम मिसमैच का हो गया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एसटी के जो क्रिशियल डेट का इशू है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर इशू है। कहने का मतलब ये कि इस वीडियो में मैंने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित सारे इशू को कवर किया है जो आप कमेंट करके पूछे रहते हैं, मैंने इसमें सारे पॉइंट्स को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके मन में जो भी डाउट होगा इस वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात कर लेता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है एकेडमिक सर्टिफिकेट। देखिए एकेडमिक सर्टिफिकेट इसलिए, अगर आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट में जैसा कि यदि आपका पासिंग ईयर चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है कि इस डेट से पहले आपको टेंथ का डिग्री होना चाहिए, अगर उस डेट के पहले का नहीं है तो प्रॉब्लम आपको होगी। पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा, एकेडमिक डिग्री में क्या क्या ईरर होने पर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी वो मैं बात करूँ। तो जैसे कि आपके नेम में मिसमैच है, यदि आपके फादर नेम में एक लेटर का मिसमैच है, दो लेटर का मिसमैच है, इस तरह के कोई भी इशू है तो आपको वहाँ पर एफिडेविट से काम चल जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि मेरे पिताजी का नाम ये में श्री सर नेम लगा है या ये लगा है, तो उस चीज़ से कोई इशू नहीं होगी, ये माइनर इशू है, इसमें आपको ज्वाइनिंग नहीं रुकती है। और कुछ ऐसे इशू मैंने देखा है जिससे कि किसी का नेम जो है टोटली चेंज हो गया है, जैसे कि उनके माता का नाम कहीं पर प्रभु राम सिंह है तो वहाँ पर जाकर सिर्फ राम सिंह हो गया है या किसी और नारायण सिंह हो गया है, इस तरीके के मैं बात करूँ तो वो चीज़ें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। इसके लिए आपको एक क्या करना है, एफिडेविट करवा लेना है। अफिडेविट के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा कि अफिडेविट कैसे करवाना है, फर्स्ट क्लास का अफिडेविट कैसा होता है मैं आपको दिखलाऊंगा भी, अफिडेविट कैसे करवाते हैं कंप्लीट प्रोसेस में आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा अपकमिंग वीडियो में, तो वो वीडियो का आप वेट कर लीजिएगा, यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो वीडियो का आप जरूर देखेंगे। एकेडमिक सर्टिफिकेट की बात करूँ, जैसे कि आपका टेंथ का मार्कशीट देखा जाएगा, टेंथ के मार्कशीट में आपके जो इंपॉर्टेंट है आपका नेम होगा, आपके फादर का नेम, मदर का नेम और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो आपको वहाँ पे फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जैसा आपने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम दिया है वैसा ही होना चाहिए, आपको कोई भी ईयर इधर उधर चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। टेंथ का मार्कशीट में आपका नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर कुछ ऐसे मैंने इशू देखा कि जैसे कि मैंने फॉर्म भरते टाइम रोल नंबर ये हो गया था, मैंने रोल नंबर में एक डिजिट छोड़ दिया, तो वो सब इशू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज़ के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो एकेडमिक सर्टिफिकेट में आपकी बात करूँ तो एमटीएस के लिए जो आपका टेंथ का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद टेस्ट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, और उसके बाद मैं बात कर लूँ इसके बाद आपके पास हाईएस्ट कोई जो क्वालिफिकेशन है वो आप ले सकते हैं, इंटरमीडिएट ले जा सकते हैं, ग्रेजुएशन ले सकते हैं, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का आपको नहीं ले जाना है। जैसे कि एक चीज़ आपको मैंने दिखा कि कई लोग इस चीज़ को पूछ रहे हैं क्रूशियल डेट का इशू, तो क्रूशियल डेट जैसे कि आपको पता है कि क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट होगा तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि ओबीसी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि क्रूशियल डेट के बाद का भी आपका सर्टिफिकेट है तो डिपार्टमेंट आपका ज्वाइनिंग करा लेगा, सिर्फ आपको प्रोविजनल के तौर पर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद डिपार्टमेंट इसका वेरिफिकेशन कराएगा, वेरिफिकेशन में यदि आप सही पाए जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग जो है 100% वहाँ पर मान ली जाएगी, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि आपने किसी तरीके का फेक सर्टिफिकेट वहाँ पर दिया है, उसके अगर वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी प्रकार की गलत आपका धोखाधड़ी का इस तरीके केस आएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, आपकी नौकरी भी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आप सर्टिफिकेट देंगे वो 100% जेन्युइन होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जैसे कि मैं बात करूँ तो ओबीसी आपका एनसीएल होना चाहिए, मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है। अगर इंश्योरेंस अथॉरिटी की बात करूँ तो रेवेन्यू अफसर, SDO, DM, किसी भी अधिकारी से आपने बनवाया है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि तहसीलदार के नीचे का रैंक का आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए, तो OBC के यहाँ पर ये चीज़ है। SC ST में आपको क्रूशियल डेट का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि नोटिफिकेशन मेंशन है कि आपका सर्टिफिकेट उसके बाद का होना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यदि आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी है तो आप लेकर जाइए, कोई इशू नहीं होगा। और SC ST का सर्टिफिकेट की बात करूँ तो स्टेट वाला भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे EWS के बारे में। तो EWS के बारे में देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है और वैलिड ईयर दो चीज़ आपका देखा जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन में मेंशन है कि सर्टिफिकेट आपके क्रूशियल डेट के बाद का होगा तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डिपार्टमेंट सिर्फ आपका दो चीज़ पर फोकस करेगा, एक आपका फाइनेंशियल ईयर, दूसरा आपका वैलिड ईयर। आपका सर्टिफिकेट का जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2021-22 होना चाहिए, मतलब जिस ईयर के बिहाइंड पर, जिस ईयर के बेस पर बनता है वो 2021-22 होगा, और वैलिड ईयर आपका 2022
2023 होना चाहिए। ये आपको सर्टिफिकेट में देखना है कि आपका सर्टिफिकेट में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और वैलिड ईयर 2022-23 होना चाहिए। सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट से का बना हुआ हो तो वहाँ पर कोई मेंशन नहीं रहता है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपका स्टेट का नाम लिखा रहेगा, जैसे आप कोई भी स्टेट से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, तो वो कोई इशू नहीं होगा। सिर्फ आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर आपको यहाँ पर देखना होगा। ये EWS की बात करो, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट को लेकर इशू आ रहा है कि जैसे कि अभी मैं कहीं और शिफ्ट हो चुका हूं, तो ये चीज़ें देखिए डोमेस्टिक को लेकर कोई इशू नहीं है। आप न्यू डोमेस्टिक यहां पर सबमिट कर सकते हैं, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक को लेकर आपको सोचना ही नहीं है, आपका कहीं के भी डोमेस्टिक है, भारत के नागरिक है ना, बस वही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार कार्ड हो जाएगा, उसके बाद पैन कार्ड हो जाएगा। पैन कार्ड तो मैंडेटरी है ही, जैसे कि आपका सैलरी वगैरह के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए आप आधार कार्ड भी वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट पर ये डिपेंड कर रहा है। कुछ डिपार्टमेंट आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं रखे हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट आधार कार्ड मैंडेटरी रखे हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड आपको मानकर चलना है कि आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर सबमिट करना है, जो आपके एटेस्टेशन फॉर्म में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो CMO के द्वारा यहाँ पे बनता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके जिले के CMO से बनता है। कैसे बनता है इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, यदि आप देखना चाहें तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या क्या चेक होता है, डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेट आता है वो कैसा होता है, क्या प्रक्रिया होती है, मैंने डिटेल उसमें बात की है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दो गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, तो एक तो आपको SP से बनवाना ही है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी और गैजेटेड ऑफिसर से बनवा रखा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक SP से बनवाना यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट आपको SP से खोजेगा ही खोजेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक BDO से बना लिया और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा लिया, वो तो गैजेटेड ऑफिसर हैं, लेकिन आपको यहाँ पे SP से बनवाना एक इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका डिपार्टमेंट फिर से बोलेगा कि जाइए अपने जिले के SP से फिर से बनवा कर लेकर आइए। तो मेक श्योर कि आपने जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, पहला तो आपको SP से बनवाना ही है, और दूसरा आप किसी अन्य गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, आप BDO से भी बनवा सकते हैं, SDM से भी बनवा सकते हैं, ये सेकंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पहला होगा आपका SP से बनवाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करूँ NOC के लेकर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका NOC अभी आपके अटेस्टेशन फॉर्म का टाइम भी दे सकते हैं, यदि आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे इशू कर रहा है कि अभी नहीं दे सकता हूँ, तो आप उस टाइम बता सकते हैं कि मैं ज्वाइनिंग के टाइम आपको NOC सबमिट कर दूंगा। NOC करने से आपकी जो ज्वाइनिंग होगी आपके टेक्निकल तरीके से प्रॉपर तरीके से होगी, जो आपके पहले अलाउंसेस है, जो आपके इंक्रीजमेंट है, वो वहाँ पर प्लस पॉइंट करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो NOC लेकर यही आपको देखना है कि आपको ज्वाइनिंग तक आपको NOC सबमिट कर देना है। आई होप मैंने यहाँ पे सारे जो आपके इशू है कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।